चने के दाल का पकौड़ा का आपने कढ़ी बनाई है? नहीं तो चलिए बनाते हैं, बहुत ही अलग टेस्ट होगा इसका। आधा किलो हम लोग दही लेंगे, दही को हम लोग फेंट लेंगे, जार में डालकर एक बार घुमा तो ये फटने का डर हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये हमने फेंट लिया है, अब इसमें इसी जार से तीन बार पानी डालेंगे, एक, ये दो और ये तीन। पानी हम लोग ज़्यादा डालेंगे इसलिए एक घंटे तक हमें इसे पकाना है। जितना पकेगा उतना अच्छा हमारा ये टेस्ट होगा। दो चम्मच हम लोग इसमें बेसन डाल देंगे, बेसन कोई सा भी डाल सकते हैं। दो चम्मच हमने बेसन डाल दिया, अब इसको अच्छी तरीके से इसको किसी भी चीज़ से मिक्स कर लीजिए। हम लोगों ने इसी से किया था, हमारा मिक्स हो गया था। आपको जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। एक चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है ये, आधा चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच हम लोग इसमें नमक डाल देंगे, कम पड़ेगा तो बाद में टेस्ट करके और हम लोग डाल देंगे। अब इसको खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है, अब इसको हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देंगे। फ्लेम को अभी हाई रखेंगे, एक उबाल आ जाएगा फिर हम लोग इसको एक घंटे के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। ये देखिए हमारा एक उबाल आ रहा है, ऐसा उबाल आना चाहिए। जब हमारा ऐसा उबाल आ जाएगा तो हम लोग इसको ढककर पकाएंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको बिल्कुल नई वीडियो देखने को मिलेगी। ये हमारा एक उबाल आ गया है, ये देखिए, चम्मच से खूब अच्छी तरह चला लें। अब इसे हम लोग ढक देंगे, एक से दो उबाल हमारा खूब अच्छी तरीके से आना चाहिए। ये हमने ढक दिया एक घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। ये हमारा एक घंटा हो गया है, ये हमारा बिल्कुल पक चुका है, खुशबू अच्छी आ रही है इसमें से। अगर पतला लग रहा है तो हम लोग हाई फ्लेम पर थोड़ा सा इसे गाढ़ा कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा हमें पतला लग रहा है ये। ये देखिए हमारा गाढ़ा हो चुका है, हमने 5 से 10 मिनट इसको हाई फ्लेम पर छोड़ दिया था। हमने ये चने की दाल को भिगो रखा था, इसको हम लोग पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, बस नॉर्मल सा पीसेंगे इसे। थोड़ा सा पानी ज़रूर डाल लें, इससे अच्छा आपका पिस जाएगा। अब इसे हम लोग इस तरीके से पीस लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, हमें थोड़ा सा मोटा ही रखना है इसे। अब हम लोग इसको प्लेट में निकाल लेंगे। प्याज हमने पहले से काट रखा है, इसमें प्याज, हरी मिर्च, बहुत कम मसाला ही इसमें डालेंगे। ये प्याज एक पीस था बड़ा वाला, उसको हमने इस तरीके से काट रखा, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे काट लें। हरी मिर्च डाल लें, 2 से 3 हरी मिर्च थी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और ये हमारा आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा बेसन ज़रूर डालें, इससे हमारा बहुत ही करारी होगा, एकदम पकौड़ा हमारा कुरकुरा सा बनेगा। अब हमें इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है, जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतना अच्छा टेस्ट होगा इसका। मसाला और नमक हमारा खूब अच्छी तरीके से इसमें मिल जाना चाहिए।
इसलिए थोड़ी देर लगे, लेकिन इसको मिक्स अच्छा से करेंगे हम लोग। हमने तेल गरम कर रखा था हाई फ्लेम पर। बस एक एक करके छोटा छोटा सा टुकड़ा इस तरह लेंगे और इस तरह का हम लोग पकौड़ा बना लेंगे। पकौड़ा छोटा ही रखेंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। इसमें आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। हमारे पास इस वक्त फ्रेश नहीं था, इसलिए हम लोगों ने नहीं डाला। हरा धनिया से टेस्ट और अच्छा होगा। अब इसको हाई फ्लेम पर हम लोग इस तरीके का पकौड़ा तैयार कर लेंगे। एक तरफ हो गया है, अब हम लोग दूसरी तरफ पलट रहे हैं। ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। 10 मिनट लगा है इसको बनाने में। सबको एक एक करके हम लोग निकाल लेंगे। दूसरा भी हमारा तैयार हो गया। सारे पकौड़ों को हम लोगों ने इस तरह तैयार करके रख लिया। अब इसको ठंडा होने देंगे, पकौड़े को हम लोग ठंडा होने देंगे। ये हमारी जो कढ़ी बनी है ये बिल्कुल गर्म होना चाहिए। अगर ठंडा में डालेंगे तो पकौड़ा हमारा सख्त हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल गर्म है। नमक टेस्ट कर लें, अगर कम है तो डाल दें। अब ये हमारा पकौड़ा ठंडा हो चुका है। अब हम लोगों ने इसमें डाल दिया। अब इसमें छौंक लगा देंगे। तेल लिया है उसी फ्राई का, ज़ीरा और ये कड़ी पत्ता 2 से 3। इसमें ये साबुत लाल मिर्च ज़रूर डालेंगे, इससे हमारा टेस्ट और लुक अच्छा आएगा। यह हमारा बिल्कुल तैयार है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।